सड़कें हैं तो उसमें टाटा स्टील भी एक सहयोगी साथी के रूप में भूमिका निभाई है। पूरा बातचीत हो गई है, उसको टाटा स्टील ने भी सहमति दी है। मैंने ही नए पुल की भी बात की थी उनसे, और नया पुल का जब मैंने उनसे प्रार्थना किया था हमारे MD नरेंद्र साहब से, तो उन्होंने देखिए नया पुल को उन्होंने दुरुस्त किया है। और मैंने अभी कल ही हमारी MD टाटा स्टील साहब से BPCL जमशेदपुर से बातचीत हुई, और उनसे करीब 1.5 घंटे मेरी बातचीत हुई कल। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि ये छोटा पुल को भी मरम्मती करेंगे, साथ में 200 CCTV कैमरा देंगे, और शहर की बहुत ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें एक ग्रीन कॉरिडोर बनना है, वो ग्रीन कॉरिडोर बनाने का भी काम होगा। और जो हमारा जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है जल, उसको संरक्षित करने के लिए स्वर्ण रेखा नदी को कैसे हम सुरक्षित करें, संरक्षित करें, इस पर भी काम होगा। उससे थोड़ा पहले आप ये मान लीजिए कि जो राजस्थान भवन के इर्द गिर्द का जो इन्होंने चिन्हित किया है, जहाँ से उनको डाउन मिलेगा, वहाँ से ये ओवरब्रिज होगा, और फिर यहाँ पर जो हमारा वन विभाग का कार्यालय है, वहाँ से एक स्टेप इधर उठेगा, एक स्टेप इधर उठेगा, और ये उठने के बाद ये जो छोटा पुल है उससे क्रॉस करके सीधा जो है मेरिन ड्राइव को निकलेगा, उसे क्रॉस करके मेरिन ड्राइव को निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो यातायात में ज़्यादा लोग यातायात में बिष्णुपुर और साक्षी जाया करते हैं लोग, तो साक्षी तो सीधा सीधा निकल जाएंगे, और बिष्णुपुर के लिए ये भी व्यवस्था हो जाएगी। तो ये कई तरीके से मल्टी सोच के साथ इस चीज़ के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। कितना समय लगेगा? समय तो देखिए मोटा मोटी समय की ये बात है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि समय जो है, कोई भी काम जो है समयबद्ध तरीके से हो, लेकिन फिर भी मिनिमम और मैक्सिमम मान के चलिए कि यदि ये शुरुआत हो जाती है 2-1 महीने में, तो भी हमको लगता है कि कम से कम 1.5 साल 1.5 साल से कम नहीं लगेगा। पर कितने लागत आएगी इसमें? अमूमन लागत की बात जो है, अभी तक पूरा मैं इसको पूरे मतलब ठोस रूप में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अमूमन लागत 250 करोड़ रुपया के इर्द गिर्द होगी। 250 करोड़ रुपया के आसपास इसकी लागत हो सकती है। हो सकता है कि लागत कुछ बढ़े, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं जो इतना तकनीकी आदमी नहीं हूँ, लेकिन अमूमन 250 करोड़ रुपया के आसपास इसकी लागत होगी। सरकार के साथ टाटा स्टील की सहयोग करेगी? नहीं, टाटा स्टील पथ निर्माण विभाग की टीम आई है, और पूरे झारखंड को विकास की गति के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि लगातार ये गठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ना सिर्फ राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रही है, बल्कि मानव संसाधन को भी कैसे विकसित किया जाए और किस तरीके से हमारे नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए भी लगातार प्रयासरत है। और उसी की कड़ी में, चूँकि ये मानगो का इलाका, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, और जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग पुल हैं वो पुल इसके घनत्व के सामने ना काफ़ी हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, प्रार्थना किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की जनता की भावनाओं को समझा और एक टीम भेजने का काम किया है, जो टीम ने फिजिकली काफ़ी पहले भी सर्वे किया था, और आज हमारे CDO साहब के नेतृत्व में, हमारे चीफ इंजीनियर साहब के नेतृत्व में ये टीम आई है, और इस ये टीम के साथ टाटा स्टील के भी अफसर हैं, हमारे जिला प्रशासन के भी अधिकारी हैं, नगर निगम के भी MNSC JNSC के विशेष पदाधिकारी हैं, और हम सभी लोगों का ये दायित्व है कि इस शहर की भव्यता और सुंदरता और यहाँ के लोगों की सुरक्षा और सुविधा
कैसे बेहतर हो उसकी दिशा में हम काम कर रहे हैं। और ये फ्लाईओवर का निर्माण हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये मानगो ही नहीं बल्कि जमशेदपुर के लिए एक बहुत अभूतपूर्व तोहफा गठबंधन की सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द ही इसका श्री गणेश भी हम लोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।